तो गाइस पहले पार्ट में आपने जैसे कि देखा कि हम स्कॉन मंदिर में पहुंच चुके हैं और आरती वारती के टाइम पे पहुंचे हैं, तो मज़ा आया हमें। तो अब हम आगे जाके दर्शन करते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा ये वाला व्लॉग और इसका सेकंड पार्ट, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें ज़रूर से, और हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। अभी चलते हैं आगे से दर्शन कराते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो, आज इतनी ज्यादा भीड़ है आरती के टाइम पे, आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आगे देखते हैं कुछ ना कुछ करके निकलते हैं, क्योंकि ज्यादा बहुत भीड़ हो चुकी है, आगे दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर ये अभी सामने है, ये है श्री श्री लक्ष्मी सिम्बा जी की मूर्ति मेरे सामने, तो उनके दर्शन भी कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रश हो रहा है। और जो पंडित जी वगैरह है वो बोल रहे हैं थोड़ा आगे आगे बढ़िए, तो चलते हैं फिर आगे भी तुम्हें दिखाता हूँ। तो इसलिए पहले इनके दर्शन कर लीजिए और फिर आगे दिखाता हूँ मुझे क्या है। चलते हैं आगे, ठीक है चलते। गाइस देख रहे हो कितनी मुश्किल हो रही है दर्शन करने के लिए भी आज, और धीरे धीरे लाइन चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज दर्शन हो जाए अच्छे से, तो फिर दर्शन करके ही बाहर जो भी है वो तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले दर्शन कर लूँ, यहाँ से निकलूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी चलते हैं अभी आगे। चलो अगर आप लोग कभी आना चाहो तो प्लीज़ सैटरडे और संडे को मत आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और इसके बाकी वीकली डेज पे आ सकते हो, क्योंकि उस दिन कोई रश नहीं होता इतना। आज तो काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ सैटरडे को, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये वाला व्लॉग। अभी दर्शन कर लेते हैं एकदम बढ़िया से, फिर चलते हैं आगे। गाइस और एक और बारी आप मेरे साथ नारा लगाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी धीरे धीरे चलते आगे, क्योंकि लाइन चल चुकी है। ये भी एक कृष्ण जी की मूर्ति वगैरह नृत्य करते हुए दिखाया गया हमारे को, तो आरती चल रही है अभी, यहाँ से चलते हैं हम आगे। चलो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। आगे दिखाता हूँ तुम्हें जो भी है यहाँ पे भी आरती। गाइस जैसे कि कितनी मशक्कत करने के बाद हम आगे आ चुके हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा ये वाला व्लॉग। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हो तो। तो अभी दर्शन कर लिए गए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं आगे दर्शन करेंगे, ठीक है। तो चलो आप भी कर लो मेरे साथ साथ दर्शन, और हरे कृष्णा ज़रूर लिखना गाइस। गाइज श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद अब आगे आ चुके हैं हम। आगे मूर्ति है राम भगवान जी की, सीता मैया लक्ष्मण भगवान राम भगवान की मूर्ति, तो इनके दर्शन करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं आगे। और बाहर का तुम्हें दिखाता हूँ, तो कमेंट में लिख देना जय श्री राम।
आप सभी के लिए भी प्रे करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। तो भगवान सब पे दया और कृपा अपनी बनाए रखें। अभी चलते हैं आगे। भी दर्शन कर लिए, अभी हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो देख सकते हो आप अभी भी कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे मंदिर के अंदर। तो अभी हम चलते हैं बाहर, बाहर दिखाता हूँ बाहर का क्या व्यू है। गाइस हम पहुंच चुके हैं आरती के टाइम पहुंचे, तो काफी मजा आया अंदर। तो बाकी अभी बाहर का नजारा तुम देखो सारी। अंदर आरती के टाइम दर्शन वगैरह कर चुके हैं हम। अब जाके वर्ल्ड जो लार्जेस्ट बोलते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट भगवत गीता रखी गई है अंदर, तो वहाँ पे जाने का देखते हैं। कोई बनता है प्लान तो वहाँ जाते हैं अंदर। बाकी फोटो वगैरह खींच ली हमने, बाकी तुम एंजॉय करो और नीचे कमेंट में लिखना हरे कृष्णा। और अगर व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना, ताकि और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आए। तो चलो एक बारी जोर से नारा लगा दें हरे कृष्णा। तो चलते हैं गाइस। ये देखो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता, तो वो इसके अंदर है। तो ज़रा पूछ लेते हैं गाइस। मैंने पीछे किसी से पूछा है कि वो चार्जेस कितने हैं म्यूजियम में अंदर जाने के, तो 150 बताए। तो अभी चलते हैं सिनेमेटिक देखते हैं।
डिप्लोमा करना है तो यहाँ पे ये कोड दे रहा हूँ मैं तुम्हें, स्कैन करके कर लेना आप लोग। तो वो है जहाँ पे अंदर गए थे पहले, वैदिक एक्सपो। यहाँ पे नीचे गाइस नीचे चेक करो तो ये है जो चीज थी ना देखने वाली मेरे को, ये थी। अभी मैं एक बारी सामने वाली साइड जाके तुम्हें एक बारी व्यू दिखाता हूँ उसका, ठीक है? चलो। एंड गाइस जैसे जैसे शाम हो रही है ना तो भीड़ देखो आप लोग कितनी ज्यादा भीड़ होने लगी है, तो हम भी जल्दी जल्दी घूम के तुम्हें फिर चलते हैं वापस। गाइस ज्यादातर सैटरडे और संडे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, काफी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। अब दिखाता हूँ तुम्हें नीचे का व्यू जो है ना। आगे चलते हैं अभी, गाइस इस साइड चलो तो इस साइड मिलती है तुम्हें बुक्स, बुक्स कपड़े। ये हरे कृष्णा गारमेंट्स पढ़ लो ऊपर जैसे कि, और यहाँ पे ये है बुक स्टॉल्स भी। अंदर चल गए, अंदर चल के देखते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज वगैरह अभी। अंदर चलते हैं, अभी अंदर चलते हैं, अंदर चलते देखते हैं। गाइस इस शॉप के अंदर भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी हम चलते हैं कहाँ पे, कपड़ों वाले सेक्शन वाली साइड, तो फिर देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से कपड़े हैं, किस किस टाइप के। तो चलो चलते हैं उस साइड, काफ़ी इतनी भीड़ भी नहीं है ना। ये देखो और अभी कपड़ों वाली साइड से चलते हैं बुक्स वाली सेक्शन पे। ये हैं बुक्स जो कृष्ण के बारे में, अगर किसी को भी जानना है क्या है सब, यहाँ पे हर टाइप की बुक्स मिल जाएगी आपको। हर कौन कौन से गुरु थे जिनके द्वारा ये आगे संदेश पहुँचाया गया। तो अभी चलते हैं और आगे, और उस वाली साइड पे ये बुक्स वगैरह काफ़ी लोग ले रहे हैं, और जो दूसरी साइड है ये बैजेस पड़े हैं ऊपर टोकरी में। एंड गाइस अब चलते हैं आगे वाले सेक्शन पे, देखते हैं आगे क्या क्या है। मूर्तिज वगैरह रखी गई हैं आगे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो जो मेरे राइट लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड रखी गई हैं धूप अगरबत्ती वगैरह, ये जैसे कि आप देख सकते हो जो करते हैं हम पूजा वगैरह उसके लिए। और ये सामने है माला जो जपते हैं हम और बैग के अंदर रख के, तो वो है। और यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी रखी गई है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लगी मूर्ति, छोटी थी पर काफ़ी ज़्यादा रेट था उसका, हाई अराउंड 5000 रुपीस था। जो ये देखना ये पिंक कलर की है ना ये मूर्ति कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी लगी। ये बीट्स वगैरह ये तो नॉर्मली थी 100 रुपीज़ 150 अराउंड इतना ही था। और ये सारा सेक्शन है जो वो अगरबत्ती वाला, तो और एक और मूर्ति थी जो यहाँ पे 10,000 की थी, जो ये रखी है कृष्ण जी की गोल्डन कलर की, थोड़ी ब्राउन और ब्लैक कलर में। और ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल काफ़ी क्यूट से थे, तो ये भी बहुत पसंद आए मेरे को पर मैंने लिए नहीं। तो और ये वाला सेक्शन मेरे को पता नहीं किस चीज़ का लगा, तो फिर मैं यहाँ से आगे निकलते हैं, अभी देखते हैं आगे। ये आप देख लो एक बारी दोबारा, ये वाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी मेरे को, तो अभी चलते हैं आगे देखते हैं क्या है, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं आगे। और जो तिलक के लिए भी थे यहाँ पे, जो तिलक वगैरह लगाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, तो 20 रुपीज़ अराउंड थे वो भी सही थी। और ये मूर्तिज भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्यारी थी। तो अभी चलते हैं बाहर क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने लगा है, शाम भी हो गई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। कि जो पास के लोग होते हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे,
इंजॉय करने के लिए और दर्शन वगैरह करने के लिए। और इस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिस दिन मैं गया हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस दिन। तो ये है फूड वाला सेक्शन, फूड भी काफ़ी महंगा था, ये आप रेट चेक कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिखा होगा तुम्हें तो। अराउंड 40 रुपीज़ की एक पेस्ट्री थी वहाँ पे गाइस। तो अभी फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, तो अभी नीचे जाके देखते हैं, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि प्रसाद वगैरह भी दिया जाता है, तो हम प्रसाद खाएंगे कृष्ण भगवान का। तो अभी चलते हैं प्रसाद खाने के लिए, चलो। गाइस बाहर निकल चुके हैं, प्रसाद खा के चलते हैं, तो देखते हैं लाइन काफ़ी ज़्यादा, लाइन तो बड़ी है। यहाँ मिल रहा है प्रसाद, वो प्रसाद खाते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन है, काफ़ी बड़ी लाइन। गाइस ये है एंट्री, मेन एंट्री। हम आए थे दूसरी साइड से एंट्री करने, ठीक है। तो एंट्री हमने की थी दूसरी वाली साइड से, क्योंकि हम दूसरी साइड से आए थे। तो अभी चलते हैं, और ये रेस्टोरेंट है गोविंदा रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी खा सकते हो आप जो कुछ भी खाना है, रेस्टोरेंट वगैरह। परंतु हम खाएंगे आज प्रसाद, प्रसाद के लिए काफ़ी बड़ी लाइन है, तो उसके लिए भी देखते हैं। देख लो मेरे पीछे लाइन कितनी बड़ी लग रही है। काफ़ी बड़ी लाइन है गाइस, चलो लग जाओ लाइन में, प्रसाद खाएंगे। काफ़ी टाइम है वैसे घर जाने के, आराम से जाएंगे, आए हैं इतनी दूर से। ये है वैसे मेन एंट्री, यहाँ से वहाँ से आते हैं, और ये एंट्री है यहाँ से। और अगर दूसरी साइड से आते हो नेहरू प्लेस वाली साइड से, तो नेहरू प्लेस वाली साइड से आएंगे। गाइस पीछे हेलो कर रहे हैं, गीता वगैरह बुक वगैरह सेल करते हैं यहाँ पे, तो आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए, अगर पढ़ना चाहते हो ले सकते हो आप किताब बुक्स वगैरह। लो भाई तुम भी बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गाइस लोग पहुंच चुके हैं प्रसाद वाली जगह, लो भाई प्रसाद आ चुका है, हरे कृष्णा। गाइस आ चुका प्रसाद, प्रसाद आ चुका। तो गाइस प्रसाद आ चुका अपने हाथ में, तो इसको खाते हैं जरा। आप बैठ गए प्रसाद अपना, ये इसको खा लेते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं जाके, ठीक है। गाइस प्रसाद खा लिया, खिचड़ी वैसे टेस्टी थी, अगर आओ तो हमेशा भाई प्रसाद वगैरह खा के। एंड गाइस एंट्री तो मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ से होती है, एक होती है नेहरू प्लेस से जो गेट नंबर 2 से है, और एक फर्स्ट नंबर गेट से है, तो वो गेट नंबर 1 ये है। तो यहाँ से एंट्री होती है, हमने अपने दर्शन वगैरह बढ़िया कर लिए और टीका वगैरह भी लगा लिया, क्योंकि बाहर आके तो अंदर भी गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 पे ही टीका लगता है। और संडे को यहाँ पे होता है कुछ प्रोग्राम टाइप होता है, मैंने पूछा था जो पंडित जी थे यहाँ पे,
वो बोलते संडे को होता है प्रोग्राम, तो अगर जिसको भी आना चाहे वो आ सकता है। और सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर ये वाला व्लॉग तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ना मत भूलना। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट में ज़रूर लिखना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।